गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी स्टडी हर्ली बर्ली बी। ओके, आज हम हर्ली बर्ली बी में पढ़ेंगे डिवीज़न। डिवीज़न क्या है इसमें करना हमको, यहाँ पे लिखा है ना, मैच द लेटर्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं और बोथ साइड में पिक्चर्स हैं, किस लेटर से कौन सा पिक्चर मैच होगा उसको हमको मैच करवाना है। ओके, ओ फॉर क्या होता है, वो फॉर ऑरेंज, एस फॉर सन, वी फॉर वैन, आई फॉर इग्लू, डी फॉर डॉग, जे फॉर जोकर, एम फॉर मैंगो, जेड फॉर जेब्रा, टी फॉर टाइगर। ओके, अब आती है नेक्स्ट पेज में, आप दिया लेटेस्ट रिवीजन, कंप्लीट द सीरीज। ओके, इसको सीरीज में कंप्लीट करना है कि ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आएगा, डी, फिर नेक्स्ट लाइन में सी डी के बाद क्या आता है, ई, ई के बाद क्या आएगा, एफ, जी हो गया, एच के बाद क्या आता है यहाँ पे, आई, जे के बाद के बाद क्या आएगा, हमारा एल आता है। ओके, इस तरह से हमको और कंप्लीट करना है। एम के बाद क्या आता है, एन, एन के बाद ओ, पी, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में यू, वी के बाद क्या आएगा हमारा, डब्लू, डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स, एक्स के बाद वाई आ गया, वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, Y एंड Z। ओके, इस तरह से हमको इसको कंप्लीट करना है। अभी हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे भी दिया है अल्फ़ाबेट। ओके, दिया है ना, अरेंज लेटर्स इन करेक्ट सीक्वेंस, इसको करेक्ट सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैटरपिलर में कैसे भी ए बी सी डी राइट कर दिया है, बट इसको हमको सही सीक्वेंस में राइट करना है। ओके, फर्स्ट हम क्या राइट करेंगे अल्फ़ाबेट, ए, ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आएगा हमारा, सी, सी के बाद क्या आता है, डी। ओके, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी। इस तरह से हमको इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट पे आएंगे हम, यहाँ पे यू वाई टी डब्ल्यू जेड एक्स भी दिया है ना, तो सीक्वेंस में हम क्या लिखेंगे इसको, पहले पहले हम लिखेंगे टी। ओके, टी के बाद क्या लिखेंगे, यू, यू के बाद हम लिखेंगे वी, वी के बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इस तरह से हमको इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे दिया है ना, वावेल साउंड ए, जॉइन द पिक्चर्स हैविंग द साउंड ऑफ अ विद वावेल अ इन द सेंटर, सॉरी सेंटर। वावेल क्या होता है, वावेल किसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं स्वर, पढ़ते हैं ना हिंदी में स्वर, वैसे इंग्लिश में वावेल्स होते हैं। वावेल्स कितने होते हैं, फाइव वावेल्स होते हैं, ए, ई, कितने वावेल्स होते हैं, फाइव वावेल्स होते हैं। यहाँ पे हम राइट करके बताते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी कितनी वावेल्स होगी, फाइव, फाइव वावेल्स हमको पढ़ना है। जैसे हिंदी में हम लोग स्वर पढ़ते हैं ना, अ, आ, इ, ई, ये क्या होगा, ये स्वर है। वही इंग्लिश में स्वर को हम इंग्लिश में वावेल्स बोलते हैं। हिंदी में 13 होते हैं और इंग्लिश में फाइव वावेल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया है ना, ज्वाइन द पिक्चर्स हैविंग द साउंड ऑफ अ विद वावेल अ इन द सेंटर। सेंटर में दिया है ए वावेल्स, इसको ए वावेल से कौन कौन से वर्ड और कौन कौन से उससे पिक्चर रिलेटेड है उसको हमको मैच कराना है। ए फॉर आंट, आंट किसी होता है, ए एन टी, आंट हो गया, एक्स, ए एक्स ई हो गया, और फिर एप्पल। ओके, ये ई वावेल सी हो गया। अब यहाँ पे दिया है ना, फिल इन द मिसिंग लेटर इन द ईच वर्ड्स, ईच वर्ड्स में प्रत्येक में कुछ लेटर्स मिसिंग है उसको हमको फिल करना है। ये क्या है, कैट, कैट की स्पेलिंग क्या होती है, सी ए टी, कैट। ये क्या है, बॉल, बॉल की स्पेलिंग बी ए डबल एल, बॉल। ये क्या है, हैट, हैट की स्पेलिंग एच ए टी, हैट। बैग की स्पेलिंग क्या होगी, बी ए जी, बैग। वैन की स्पेलिंग वी ए एन, वैन। और ये क्या है, पैन, पैन की स्पेलिंग पी ए एन, पैन। ओके,
इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, और ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं कंप्लीट करने के बाद आप इसको लर्न करिएगा। ओके बाय।